अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट स्टूडेंट, ये हमारा लेक्चर 6 का जो हमारे पेंटिंग एंड ड्राइंग का है उसका ये प्रैक्टिकल हिस्सा है। मैंने प्रोजेक्ट लोड कर लिया है, उसको नाम दे दिया है लैब डेमो 2 और मैं अब इसमें आपको दिखाएंगे कुछ पेंट ड्रॉ कर उसकी जो एग्जांपल मैंने पढ़ाई थी। तो सबसे पहले आपने इस अच्छा उससे पहले क्या आप यहाँ देखेंगे, इस लेक्चर में आपको कंट्रोल और इवेंट्स का और बेहतर से पता है। अब हम कुछ इवेंट्स का डेमो देखते हैं। तो सबसे पहले ये आपने देखा इवेंट्स, ये आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये इवेंट्स हैं। आपने यहाँ क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद ये कुछ एक्शंस हैं। क्लिक करने पे क्या इवेंट परफॉर्म हो, डबल क्लिक पे क्या हो, माउस कैप्चर, चेन, माउस क्लिक, स्क्रॉल। तो आपने पेंट पे नाम दें, पेंट को नाम दें फॉर्म पेंट, फॉर्म पेंट 1 दे दें, 2 दे दें, कुछ भी नाम दे दें। इस पर क्लिक करें। अब आपने ये देखें फॉर्म पेंट 1 पर पेंट इवेंट आर्गुमेंट एक, अब पेंट का इवेंट आपने कॉल कर लिया है, ये फॉर्म लोड है, ये पेंट है, तो इसमें हम काम करते हैं। तो ये देखें क्लास के शुरू में सिस्टम विंडोज ड्राइंग हमने इसको कॉल कर चुके हैं। तो हम सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करते हैं, उसका एक प्रोग्राम था जो हमारे पास, उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, ग्राफिक्स ग्राफिक जी इज इक्वल टू दिस डॉट क्रिएट ग्राफिक्स, उसके बाद पेन डॉट पी वन इक्वल न्यू पेन, ये आपके पास है, पेन को क्रिएट किया और इसमें आप पेन का कलर डॉट, ये कलर्स हैं आपके पास, आपने जो देना है हम ग्रीन दे देते हैं, कॉमा, और उसकी विड्थ है। दे देखें पेन के मेथड में ब्रश फ्लोट ब्रश साइज पेन विड्थ है 5, मैं इसकी 5 दे देते हैं। और इसके बाद जी डॉट ड्रॉ आर्क लाइन ड्रॉ लाइन के बाद हमारे पास ड्रॉ लाइन के हमने मेथड को कॉल किया, इसमें आप पैरामीटर देंगे p1, इसके अंदर p1। आप देखें पेन 0.1 और 0.2, यानी कि x का 1 x के 2, मैं इसे देता हूँ 20 250, अब हम इसे चला कर देखते हैं। ये हमारे पास एक ग्रीन लाइन ड्रॉ हो गई है, आपने ये देखी।
अब हम इसके x1 y1 x2 y2 आप इसे कह सकते हैं। अब मैं इसे बढ़ाता हूँ, आप ये देखिएगा, इसको मैं थोड़ा नीचे लेकर आता हूँ, मैं इसे 50 और हम इसे कर देते हैं। अब ये वैल्यू मैंने चेंज की है, आप ये देखें, ये लाइन थोड़ा नीचे और ये इंक्रीज कर गई। अब मैं यूँ सीधी लाइन ड्रॉ करते हैं, अब आपने एक पॉइंट से आपने उसको मिनिमम कर दिया है, तो ये कहाँ तक गई ये आपने देखा। ये आपके पास एक सीधी लाइन ड्रॉ हो गई, ये आपके पास ये x20, x यहाँ, ये आपके पास इधर 20 है, सॉरी इधर 20 है, और y इधर आके 20, एक पॉइंट ये रहा, और ये लेंथ टोटल 200 और 50 पर ये, तो ये सीधी लाइन ड्रॉ हुई जब आपने इन दोनों को यानी कि y1 और y को बराबर कर दिया, x को इंक्रीज कर दिया, 350 हो गया, तो ये एक सीधी लाइन ड्रॉ की। इसी तरह हम अब सर्कल और बाकी चीज़ ड्रॉ करते हैं। P1 डॉट डैश टाइल इज इक्वल टू सिस्टम डॉट कस्टम देंगे, तो बाय डिफॉल्ट जो है सीधी लाइन ड्रॉ होगी, डैश डॉट डॉट डैश डॉट, अब ये लाइन ड्रॉ करते हैं। ये लाइन अब ड्रॉ हो गई, तो ये था आपके पास। अच्छा तो क्लास अभी कोई सर्कल ड्रॉ करते हैं, तो सर्कल ड्रॉ करने के लिए आपको चाहिए होगा रेक्टेंगल, रेक्ट और ये आपके पास जी डॉट ड्रॉ रेक्टेंगल, इसमें आपने P1 और रेक्ट पास कर देना है, और हम इसको कमेंट कर देते हैं। ये आपके पास एक स्क्वायर ड्रॉ हो गया, अब हम इसे इंक्रीज करते हैं। और ये अब आपके पास आपने देखा अब ये कहाँ से स्टार्ट हुआ कि हमने क्या किया था, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स को आपने जहन में रखना है कि आपका पहला पॉइंट कहाँ होगा, दूसरा कहाँ होगा, और
ये आप सब्जेक्ट है के अभी से हाइट वेट और ये देखें टू टू कम हो गया, छोटा बॉक्स ड्रा हुआ है। तो ये आपके पास एक्स है, ये वाई है और ये हाइट और विड्थ। अब मैं इसे एक्स को मैं कम करता हूँ और वाई को मैं ज़्यादा करता हूँ, तो नीचे आना चाहिए। ये देखें आप, क्या थोड़ा सा नीचे आ गया। अब इधर लाने के लिए मुझे एक्स को बढ़ाना पड़ेगा, सॉरी इधर जाने बढ़ाने लाने के लिए वाई को बढ़ाना पड़ेगा। नाइन्टी आपके इधर एक्स हमारे पास इधर होता है, वाई इधर होता है। ये स्टार्टिंग इनिशियल पॉइंट है हमारी ड्राइंग के। अब हम ड्रॉ करते हैं एक जी डॉट क्लिप्स। क्लिप्स इसमें पास करते हैं अगेन P1 ब्रश के लिए और रेक्ट। अब हमारे पास एक सर्कल ड्रॉ होगा। अगेन ये देखा, तो ये हमने कमेंट कर दिया था। और लाइन के लिए अब मैंने इसको कमेंट कर दिया है, तो सीधा सर्कल। आप यहाँ से इसके चेंज भी कर सकते हैं और एज वेल एज इस प्रॉपर्टी में से फॉर्म का कलर भी चेंज कर सकते हैं। ये आपने देखा, ये देखें ये आपका वाइट हो गया सारा। तो आप बाई कोडिंग भी कर सकते हैं ऐसे। अब हम करते हैं तो क्लास कुछ ड्रा करने के लिए भी हम चलें, इस सबको हम कमेंट कर देते हैं। अब हमारे पास है फाउंड F1, कोई भी नाम दे दें, न्यू फाउंड। और इसमें आप पैरामीटर पास करें और एक आप बनाएं ब्रश D1, इसको न्यू ब्रश। और इसमें फाउंड क्या प्रॉपर्टी थी फाउंड की, फ्रॉम प्रोटोटाइप फ्रॉम स्टाइल साइज, तो हम देते हैं कैलिबरी। स्टाइल डॉट इटैलिक और 40 40
साइज हम 40 दे देते हैं। इसी तरह ब्रश में आएगा आपका सॉलिड ब्रश, कलर डॉट, वायलेट, कोई अपनी मर्जी का कलर दे दें, डॉट ड्रॉ, डॉट डॉट स्ट्रिंग पास किया। इसमें आप पास करें बी वन एफ वन 20 20, और जी क्लास थोड़ी गलती हो गई थी कि पहले फाउंट नेम जो क्लास है उसकी, वो उसका साइज, फिर उसका फाउंट स्टाइल, सॉलिड ब्रश, कलर वॉयलेट, स्ट्रिंग मैंने पास की। उसके अब पास नहीं हो रहा एफ वन और बी वन। एफ वन बी वन एक तरतीब है, पहले आपका फाउंट, उसके बाद ब्रश, और उसके बाद उसके साइज, हेलो क्लास ऑफ वीडियो प्रोग्रामिंग। यह फर्स्ट थिंग ड्रॉ हो गया, और ये था आपका जो आपका परफॉर्म है।